संपूर्ण ब्रह्मांड यूनिवर्स ब्रह्मा के चित्त के अंदर है। जैसे आपके अंदर भी एक चित्त है, एक पदार्थ है, जैसे हवा होती है, ऐसे ही जो ब्रह्मा है उसका भी एक चित्त है। और उसके अंदर जो आप ये तारे, सूरज, चांद, तारे देख रहे हैं, ये सभी ब्रह्मा के चित्त के अंदर हैं। चलो डिटेल से समझेंगे इसी बात को। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा, झज्जर, हरियाणा, NCR से। हमें लगता है कि ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, धरती, चांद, तारे, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल खुले में है। ऐसा सिर्फ आपको लगता है कि खुले में है, जबकि जो हमारा यूनिवर्स है, जितना हमें दिखाई देता है आँखों से और जो ना भी दिखाई देता है आँखों से, ये सब कुछ ब्रह्मा का एक चित्त है, एक पदार्थ होता है बारीक। उसके शरीर में जो ब्रह्मा है, उसके शरीर में ये पदार्थ है। उस चित्त के अंदर ये संपूर्ण ब्रह्मांड, आप, हम, आपके जान पहचान के सूरज, तारे, सब कुछ। इसके अलावा जो ब्रह्मांड हमें दिखाई नहीं देता है, ब्लैक होल, गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं, ये धरती, पाताल, सब कुछ ये ब्रह्मा के चित्त के अंदर है। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा ये कैसे संभव है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी गैलेक्सीज, वैज्ञानिक बताते हैं। हाँ, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जो ब्रह्मा का चित्त होता है वो भी तो विशाल है। अभी इस हवा में ब्रह्मा का चित्त है जो कि दिखाई नहीं दे रहा, हवा से भी बारीक है, जैसे हवा होती है उससे भी बारीक है। उस चित्त के अंदर ये पूरा यूनिवर्स तैर रहा है। कैसे समझाऊं इस बात को, ऐसे समझो जैसे समुद्र के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर मछली तैरती हैं, छोटी बड़ी बहुत सी तरह की मछलियां होती हैं, तैरती रहती हैं। उसमें हमें मछलियां भी दिखाई दे जाती हैं, गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाते हैं तो मछलियां भी दिखाई देती हैं और साथ में पानी भी दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि पानी के अंदर मछलियां तैर रही हैं। अब दूसरी बात रही ये, ऐसे ही ये ब्रह्मांड ब्रह्मा के, वो ब्रह्म अलग है, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, ब्रह्मा का मतलब एक देवता, ब्रह्मा के चित्त के अंदर ये सारे तारे, आकाश गंगाएं, चांद, सूरज, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये धरती, आप, हम, सब कुछ, भूत, प्रेत, आदमी, सब कुछ उसके अंदर ही तैर रहे हैं, लेकिन वो चित्त हमें दिखाई नहीं देता है। इन आँखों से जो हमारी आँखें हैं, भौतिक आँखें, ये बारीक चित्त को नहीं देख पाती हैं, जैसे हवा को नहीं देख पाती, हवा भी तो दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही हमें तारे तो दिखाई दे जाते हैं, हमें चांद दिखाई दे जाता है, धरती दिखाई दे जाती है, पेड़ दिखाई दे जाते हैं, अपने घर परिवार के लोग दिखाई दे जाते हैं, ये फसल दिखाई दे जाती है, लेकिन हमें वो बारीक पदार्थ, ब्रह्मा का चित्त हमें दिखाई नहीं देता जिसके अंदर ये सब कुछ तैर रहा है। ब्रह्मा का एक शरीर है बहुत विशाल, इस ब्रह्मांड से भी विशाल, उसके अंदर चित्त है और चित्त के अंदर ये हमारा ब्रह्मांड जो दिखाई दे रहा है वो है। अब वो चित्त बड़ा ही इतना है जो हमारे ब्रह्मांड से भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। जैसे मछलियां तैरती हैं समुद्र के पानी में, तो समुद्र तो बड़ा होता ही है, तभी बहुत सी तरह की मछलियां उसमें तैर लेती हैं,
बड़ी छोटी मछलियां, करोड़ों अरबों मछलियां, अलग तरह के जानवर होते हैं वहां पे जो भी हैं। लेकिन वहां तो पानी दिखाई देता है, ये चित्त आपको दिखाई नहीं देगा बिना दिव्य दृष्टि के। क्योंकि इसकी जो पदार्थ की जो किरणें होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं, जिनकी हमारी आंखें पकड़ नहीं कर पाती हैं। तो बस आज तो यही समझाने की कोशिश की कि ब्रह्मांड में एक चित्त भी है ब्रह्मा का, ब्रह्मा का शरीर, ब्रह्मा के शरीर के अंदर चित्त, और चित्त के अंदर ये हमारा ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड के अंदर हम और हमारी ये धरती, सूरज, तारे। तो कितना बड़ा चित्त होगा वो आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं अपनी बुद्धि से, आराम से ठंडे बैठ के। बहुत बड़ा विशाल चित्त है, और उससे भी बड़ा विशाल बड़ा ब्रह्मा का शरीर है, जिसके अंदर ये चित्त है, और चित्त के अंदर ये ब्रह्मांड तैर रहा है। समुद्र के पानी की तरह है, उससे भी बारीक, उसी के अंदर ये तैरता रहता है मछली की तरह, सब कुछ तैरता रहता है। ये बहुत गहरा विज्ञान है, जो कि वैज्ञानिकों को नहीं पता है, अभी रिसर्च नहीं कर पाए हैं। वो तो सोच रहे हैं बस ऐसे ही तैरता रहता है, ऐसे ही आधार लटके हुए हैं ये सूरज चांद तारे, ऐसे ही लटके हुए हैं बस, उनको ऐसा लगता है। जबकि उनको ये नहीं पता है एक बारीक बारीक पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उनमें ये सब कुछ तैर रहा है। तो आपने भी ये बात सुनी होगी शास्त्रों में, टीवी पे, कि ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की है, ऐसा आपने भी सुना है। उसने इस सृष्टि की रचना अपने शरीर के अंदर जो चित्त है उसके अंदर इस सृष्टि की रचना की है, ना कि बाहर की है। हम सोच रहे हैं कि ब्रह्मा ने अपने से बाहर कोई सृष्टि की रचना कर दी है, ये ब्रह्मा से बाहर है ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स। नहीं, ब्रह्मा का शरीर इतना विशाल है, और उसके अंदर जो चित्त है वो इतना विशाल है उसके शरीर के अंदर, कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है या उसी के अंदर है। चलो जैसे आपके शरीर के अंदर फेफड़े हैं, लीवर है, आते हैं, बहुत कुछ आपके शरीर के अंदर हड्डियां हैं, ऐसे ही ब्रह्मा के शरीर के अंदर ये संपूर्ण सृष्टि है, ये यूनिवर्स है। उसने अपने शरीर के अंदर ही, अपने चित्त के अंदर ही इस सृष्टि की रचना की है, ना कि बाहर कहीं पे इस यूनिवर्स की रचना की है। ये सब कुछ उसके अंदर ही है, वो इतना बड़ा और विशाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बात दो बार बतानी पड़ती है या तीन बार भी बतानी पड़ती है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज एक और विज्ञान बताया ब्रह्मा का, कि ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना कहाँ पे की, अपने शरीर के अंदर, चित्त के अंदर। कल फिर किसी विज्ञान को जानेंगे, योग विद्या की किसी गहनतम राज को जानेंगे, जो कि वैज्ञानिकों को शायद पता नहीं हो पाएगी, हो भी पाएगी तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि एक बात लास्ट में आप बार बार बताते हैं, तो लास्ट वाली बात ही मेन है, वो क्या है, गुरु को प्रणाम करें। ये सभी ज्ञान और विज्ञान कि ब्रह्मा ने कैसे इसको रचा, कहाँ पे रचा, उसकी लोकेशन क्या है, जगह कहाँ है जहाँ पे ब्रह्मांड बनाया, तो वो सारी बातें बताई जाएंगी। ये सारी बातें अपने आप भी पता हो सकती हैं, गुरु को प्रणाम करें, किसी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष को या गुरु को प्रणाम करें, दूसरा कोई जरिया नहीं है। आप गलत रास्ता अपनाते हैं, और जो गलती हम बार बार करते हैं, आप करते हैं, उसी को मैं हर वीडियो में ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल तक के लिए विराम लेते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, जो कि आपके अंदर मैंने उस परमात्मा को विराजमान देखा है, विद्यमान देखा है, उसी के आधार पर प्रणाम करता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।